किया
Ah, 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 ah
बांटने वाला जाने कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी की झोली खुलती है, किसी की झोली छोड़ी खाते, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण किसी को जीवन का
से भी मत सकता है, किसी का नाम
कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास, किसी को एक बूंद मिल जाए, किसी को एक बूंद मिल जाए, वो हो जाए पूर्ण आस। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण Thank you.
आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनिरंतर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। आज एक्सीडेंट के कारण सत्संग में विलंब हुआ, अल्प चर्चा करके वाणी को विराम दूंगा। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, बड़ा उत्तम अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए स्वर्ग में घंटा बजना चाहिए। यज्ञ पूरा हुआ और सफल हुआ उसके लिए स्वर्ग में घंटे का नाद हो तो पता चले कि यज्ञ पूर्ण हो गया, सफल हो गया। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया लेकिन स्वर्ग में घंटा नहीं बजा। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रार्थना की, नाथ हमने यज्ञ तो रचा लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हुई, परमात्मा के द्वारा वो स्वीकृत नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा मुझे विचार करने दो, विचार करके मैं तुम्हें बताता हूं। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके बताया पांडवों को, तुमने अश्वमेध यज्ञ में सबको बुलाया, सभी संतों को बुलाया, लेकिन एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे संत हैं जो अभी तक तुम्हारे यज्ञ में नहीं पधारे, जिनके कारण ये यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों ने कहा महाराज हमारे से कोई भूल हो गई लेकिन हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं, आप हमें बताइए, हम जाकर उस संत उस महर्षि को आमंत्रित करते हैं। भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर, यहां से कुछ दूर एक ऋषि है, एक महर्षि है जो एकांत में बिल्कुल जंगल में निवास करते हैं, जिनका संसार से कोई लेना देना नहीं,
लगभग तुम्हारे अनुष्ठान में यज्ञ में सभी संत पधारे, लेकिन एक ऋषि श्वपच हैं जो आज तक नहीं आए। तुम यदि श्वपच ऋषि को बुलाओ, आमंत्रित करो, तो उनके आने से यज्ञ पूर्ण होगा। भगवान ने पांडवों को समझाया और युधिष्ठिर स्वयं तैयार हुए जाकर महर्षि श्वपच को निमंत्रित करने के लिए। महाराज लाओ लश्कर लेकर गए, सेना लेकर ऋषि के द्वार पर पहुंचे। महाराज हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और भगवान ने हमें भेजा, आप आएंगे, प्रसाद पाएंगे तो यज्ञ की पूर्ति होगी। श्वपच ने कहा, देखो युधिष्ठिर, मैं कहीं आता जाता नहीं, मैं स्वयं में बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत तुष्ट हूं। किसी का एक बार भोजन कर लो तो फिर उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते, उसके नमक को हलाल करना पड़ता, नमक हलाली करनी पड़ती। मैं कहीं आता जाता नहीं, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, और ये सब सेना। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज राजा के साथ सेना तो आती है। श्वपच ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए राजन, मैं आपके यज्ञ में नहीं आ सकता। चले गए वापस। अब समस्या खड़ी हो गई है, श्वपच आकर भोजन करें तो यज्ञ पूरा होगा। बड़े ध्यान से सुनना, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात, बात बात में कोई बात होती है, उस बात को पकड़ना जरूरी है। और जो केले के पात पकड़ कर बैठ जाए वो केला खाने लायक ही होता है, तो संतों की बात समझ नहीं सकता। महाराज वापस आ गए, युधिष्ठिर आकर बताया, भगवान ने पूछा, श्वपच ने क्या कहा, बोले ये सेना ये तो संकेत मात्र ही था, कोई युद्ध लड़ने तो नहीं जा रहे राजन, किसी संत को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हो। भगवान ने ताड़ा युधिष्ठिर, जाना था तो जाने का सलीका था, जाने का तरीका था। द्रौपदी ने सारी बात सुनी, द्रौपदी ने फिर युधिष्ठिर जी को कहा, पुनः जाइए और जाकर श्वपच को आमंत्रित करिए। युधिष्ठिर अकेले है सेना छोड़कर। लर्निंग इज नॉट अ स्ट्रेट प्रोसेस, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अ पर्सन डजंट लर्न इन एन इंस्टेंट वे, इट इज स्टेप बाय स्टेप। व्हेन यू गो अहेड, एवरी स्टेप विल बिकम अ लर्निंग। महाराज युधिष्ठिर अब अकेले गए, सेना छोड़ के गए, श्वपच के पास पहुंचे। श्वपच ने कहा, तुम फिर आ गए, मना किया था। युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज हमारा आमंत्रण स्वीकार करके चलिए। युधिष्ठिर को श्वपच कहते हैं, ठीक है चलने के लिए तैयार हूं, पहले 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मुझे दान करो, फिर मैं चलूंगा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, महाराज एक तो हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी एक पूरा नहीं हो रहा, उसकी स्वर्ग में घंटी नहीं बज रही, और आप बोल रहे हैं 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मुझे दान करो तो फिर आप चलेंगे, वो तो संभव ही नहीं। महाराज बोले, यदि वो संभव नहीं तो मेरा जाना भी संभव नहीं। युधिष्ठिर फिर वापस आ गए, श्वपच फिर नहीं आए। भगवान से पूछा, भगवान कहने लगे, तू रह नहीं दे, तू यहीं बैठ। द्रौपदी को कहा, तुम जाओ। द्रौपदी गई, संत मिलन को जाइए, ध्यान से सुनना, संत मिलन को जाइए तज निंदा अभिमान, और एक एक पग आगे धरे तो वो कोटिन यज्ञ समान। किसी साधु के सन्मुख जाते हैं तो बोले, तज निंदा अभिमान, शास्त्र कहता है
हर गुर निंदक दादुर होई। मानस कहती महाराज द्रौपदी गई अकेली गए स्वपच के पास, स्वपच ने देखा ही फिरा गए, बोले तुम्हें मेरी शर्त मालूम है दीदी, मुझे कितने यज्ञों का फल चाहिए? 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं 1000 से अधिक कदम चल के आप तक आई हूं, और मैं जिस विशुद्ध हृदय से आपके पास आई हूं, मेरा एक एक पैर एक एक यज्ञ के बराबर था, और मैं आपको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल विनम्रता को धारण करके निंदा अभिमान रहित होकर आपको सौंपती हूं। स्वपच बुद्धिमता से प्रसन्न हुए, कहा ठीक है हम चलेंगे, चलने को तैयार हो गए। और महाराज जब चलने को तैयार हुए, द्रौपदी के साथ स्वपच को आते देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, बड़े विभोर हैं, बड़े मग्न हैं। अब तो अश्वमेध यज्ञ अवश्य पूरा होगा, कृष्ण ने बताया और भगवान के कहे अनुरूप हमने एक कदम सही धर दिया। महाराज सोने के पात्र, राजा के घर का खाना, राजा के घर का भोजन, अब आप बंकिंगम पैलेस में क्वीन के साथ बराबर बैठ के खाएं और हाथ से रोटी तोड़ने लगेंगे तो वो औकात पहचान जाएगी। हर जगह का सलीका होता है, सबके सलीके होंगे, साधुओं का सलीका अपना, वाह मौज फकीरा दी, कदे ता खावन चना चबेना, कदे खावन लपटा खीरा दी, कदे ता ओडन शावल दुशाले, कदे पावन गुदड़ी नीरा दी, कदे ता रहंदे रंग महल विच, कदे रहंदे गली अहीरा दी, वाह वाह मौज फकीरा। साधुओं की अपनी मौज है महाराज। स्वपच के आगे सोने के थाल में तरह तरह का शटरस युक्त भोजन परोसा गया, स्वपच के सामने आ गया। स्वपच के हाथ में कमंडल था, खप्पर, नाम की मुद्रा साथ ले, ने ले खप्पर निज हाथ, नाम की मुद्रा डालकर बने निराले नाथ। खप्पर हाथ में था और स्वपच ने उन सोने के बर्तनों में से भोजन उठाया, खीर भी उसमें, सब्जी भी उसमें, रोटी भी उसमें, सलाद भी उसमें, सब कुछ घोटा, और स्वपच सब कुछ घोटकर वंदन करके खाने लगे। पांडवों के मन में आ रहा है ये इंसान नहीं थे जानवर, इतनी सुंदर स्वाद सब्जी तरकारी भाजी बनाई, इतनी प्रेजेंटेबल ढंग से सोने के बर्तन में परोसी, इस मूर्ख को खाने की भी अकल नहीं, कैसे खा रहा? अच्छा जो आम संसारी खाते हैं वो सही सलीका है कि साधु खाते हैं वो सही सलीका? जो स्वाद का मारा हुआ है, जिसे हर चीज का स्वाद चाहिए, और एक वो जिसने स्वाद को इतना मार लिया, उसका इतना सही अनुभव से स्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शरीर की पूर्ति करता। एक व्यक्ति स्वाद का मारा हुआ है, आलू खाता है तो आलू का स्वाद देना चाहता है, दाल खाता है तो दाल का स्वाद देना चाहता है, खीर खाता है तो खीर का स्वाद देना चाहता है, लेकिन जो स्वाद के लिए खाता ही नहीं, जिसे स्वाद से कोई लेना देना नहीं, जिसका स्वाद पर बड़ा संयम है, जिसे केवल उदर भरना है, पेट भरना है, उसका खाने का सलीका अपना है भैया। और महाराज स्वपच ने तो सब घोटा और सब घोटकर खाने लगे, पांडवों को ग्लानी होने लगी। ये आदमी, ये कोई साधु कैसे खा रहा? स्वपच ने भोजन किया, हाथ धोए, प्रणाम किया और स्वपच चल पड़े। स्वर्ग में घंटा नहीं बजा, भगवान के पास गए, सेना लेकर गए, स्वपच आए नहीं, अकेले गए, 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल चाहिए, स्वपच आए नहीं,
द्रौपदी गई, हजार अश्वमेध यज्ञ तर्क से दलील से पूरे कराए, शौपच आ गए, भोजन कराया, शौपच चले गए घंटा बजाने। अब चार चीजें तो कर चुके, भगवान से फिर पूछा, प्रभु अब घंटा क्यों नहीं बजा, अब तो बज जाता। भगवान ने कहा, मेरे से कम अपने मन से ज्यादा पूछो, तुम्हारे मन में क्या है। गुरबाणी में जपजी साहब ने फरमान किया है, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत, आदेश दिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश, आसन लोए लोए पंडार, वाणी फरमान करती। भगवान ने पूछा, अपने मन में सोचो, जब शौपच भोजन कर रहे थे तुम्हारे विचार शुद्ध थे कि अशुद्ध थे, तुम्हारा मन कैसा था। मेरे से बेहतर तुम अपने मन को जानते, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन मैला है तो गंगा में नहा के भी गंगा का फल नहीं मिल सकता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन अच्छा है तो फिर कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, और मन मैला है तो गंगा का स्नान करके भी गंगा कोई असर नहीं कर सकती। गंगा गया गण मुकदी नहीं, भावे सौ सौ गुत्ते खाइए, गया गया गण मुकदी नहीं, भावे सौ सौ पंड पढ़ाइए, मका गया गल मुकदी नहीं, भावे सौ सौ जुमा पढ़ाइए, बुल्ले शाह गल मुकदी ताइयों जदो मैनो दिलो गवाइए। पूछा भगवान ने, द्रौपदी ने कहा, मेरे मन में बड़ी ग्लानी हुई, वो कैसे भोजन कर रहे थे प्रभु आपने देखा। भगवान ने कहा, द्रौपदी उन्हीं के भोजन करने का ढंग सही है, हमारे ही ढंग गलत है। करोड़ उल्लू, कौन करोड़ उल्लू अगर माने कि सूरज नहीं निकलता, क्योंकि करोड़ों उल्लू मानते हैं तो मान जाए कि सूरज नहीं निकल रहा है। एक करोड़ उल्लुओं के मानने से कुछ नहीं होता, सूरज तो रोज निकलेगा लेकिन उल्लू ने कभी नहीं देखा। उलूक बुद्धि, वेद ने कहा, सुपर्णायुतुम श्वतायुमुत ग्रधायुमुत उलूक आयुतुम, वेद की ऋचा, अथर्व वेद में यह वर्णन आया है, सुपर्णायुतुम ग्रधायुमुत श्वतायुमुत उलूकायुतुम। वेद कहते हैं जैसे 100 करोड़ उलूक इकट्ठे होकर ये प्रस्ताव पारित कर दे कि सूरज नहीं है, उनके प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उल्लू ने कभी नहीं देखा इसलिए वो वही मानता। भगवान ने कहा, तुम्हारे मानने से द्रौपदी क्या होता, शास्त्र की विधि क्या तुम्हारे मानने न मानने से बदल जाएगी। जिस व्यक्ति को कोई शास्त्र का ज्ञान ही ना हो कुछ भी मान सकता है, जिसको शास्त्र का कोई नियम ज्ञात ना हो वो कुछ भी मान सकता है, मनमानी कर सकता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मार्ग है ये मर्म का, मनमुखी जन ना पाए गुरुमुख साधे नाम को भीतर से धुन ले। ये रास्ता मनमुखियों का रास्ता नहीं, गुरुमुखों का रास्ता। और कोई मनमुख, गुरबाणी में फरमान किया, मानमुख किने ना पाया कर उपाव थके सब कोए, सहस से अणप कर रहे मन कोरे रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पायो जो बीज खावे सोए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुक्त शरणागति कर कृपा मेले प्रभ सोए। वाणी फरमान करती, मनमुख किने ना पाया, जो मनमुखी है वो करोड़ जन्म भी पैदा होकर लगे रहे तो नहीं पा पाएंगे। मनमुख किने ना पाया कर उपाव थके सबको, कितने ही उपाय कर ले, सहस से अणप कर रहे मन कोरे रंग ना होए, सोचे सोच न होवे जे सोची लख वार, छुपे चुप न होवे जे लाल लाल अवतार, भुखिया भुखना उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस सियाणप लख हो है ता इक न चले नाल, लाख सियाणप होने पर भी
यदि मनमुखता नहीं, गुरुमुखता नहीं आई तो बोले क्या होगा, मन कोरे रंग ना होए, कोरे मन पे रंग नहीं चढ़ेगा नाम का, कूड़ कपट के ले ना पायो, किसी भी तरीके से नहीं पा पाएंगे। जो बीज है खावे सोए, बल्कि अपने कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। महाराज भगवान ने कहा द्रौपदी जाओ, फिर जाओ, जाकर श्वपच को अब भोजन कराने के लिए आमंत्रित नहीं करना, भोजन साथ लेकर। और जब श्वपच भोजन करें तो मन में ग्लानि मत लाना कि कैसे खा रहे हैं ये आदमी के जानवर, अपितु उनका त्याग देखना, उनकी तपस्या देखना। ऐसे भोजन खाना आसान है, एक दिन खा के दिखाना मुझे। मैंने 18 साल खप्पर में खाया घोट के, 18 years of my life खप्पर में ही भोजन किया, मिठाई भी उसमें, दाल भी उसमें, रोटी भी उसमें, चावल भी उसमें, सब्जी भी उसमें, फल भी उसमें। किसके लिए खा रहे हैं, जिह्वा के लिए खा रहे हैं कि पेट के लिए खा रहे हैं? जितने लोग बीमार होते हैं, बीमार कहां से हो रहे हैं, क्योंकि जबान के लिए खा रहे हैं। हमारे यहां एक चुटकुला सुनाते हैं संतों में, बोलिए, जबान को कहते हैं लूली, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन जब ये चल जाए तो सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। इसमें हड्डी नहीं है लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत है। इससे सावधान रहे, इसके स्वाद से, इसके वचन से, इसके विलास से सावधान रहे, अलर्ट रहे। क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वचन से, स्वाद से। द्रौपदी गई, भगवान ने समझा दी, पहुंची श्वपच के पास, भोजन रखा। श्वपच भी उस वक्त भोजन करके आ गए थे, कुछ नहीं बोले, ना आशीर्वाद दिया ना कुछ, भोजन किया उठे और निकल पड़े। आज द्रौपदी ने भोजन कराया प्रेम से श्वपच को, अब प्रेम से कराया। साच कहो सुन ले हूं सबे, जिन प्रेम की ओ तन ही प्रभ पाए। परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो पूर्ण प्रेम को धारण करके करते हैं। आह, प्रेम से कराया द्रौपदी ने श्वपच को भोजन, और जब प्रेम से कराया श्वपच के अंतर हृदय से आशीर्वाद निकला। आशीर्वाद जबरदस्ती निकलता है कि मन से निकलता है? मन से निकलता है। विवेकानंद जब अमेरिका आने लगे ना, तब रामकृष्ण परमहंस शरीर में नहीं थे, माँ शारदा थी, माँ शारदा चौके में काम कर रहे थे। विवेकानंद आए, बोले माँ मैं रामकृष्ण परमहंस का संदेश लेकर अमेरिका जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दो। शारदा कुछ नहीं बोली, आशीर्वाद नहीं दिया, खड़े रहे विवेकानंद। दूसरी बार का, मां आशीर्वाद दो, मुझे अमेरिका जाना है, आपका आशीर्वाद लेने आया। शारदा कुछ नहीं बोली, बड़े धैर्य और विवेक से विवेकानंद खड़े रहे। शारदा ने तीसरी बार विवेकानंद पूछते उससे पहले कहा, बेटा चाकू देना। विवेकानंद जी ने चाकू पकड़ाया। शारदा बोलने लगी, जाओ तुम्हारी कीर्ति विश्व में फैले, ये मेरा आशीष है। विवेकानंद बोले, मैया आधे घंटे से खड़ा हूं, आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपने दिया नहीं, आखिर अचानक। मां शारदा बोलने लगी, जिस तरीके तूने चाकू पकड़ाया है ना, मैं तेरी धारणा समझ गई। लोग चाकू कैसे पकड़ाते हैं, मुट्ठा अपने हाथ में रखते हैं, धार दूसरे की तरफ होती, मुझे चोट ना लग जाए। लेकिन विवेकानंद ने चाकू कैसे पकड़ाया था, धार अपनी मुट्ठी में थी और मुट्ठा मां शारदा की तरफ था। विवेकानंद को तुरंत आशीर्वाद मिला। मां ने कहा, बेटा तेरे चाकू पकड़ने के सलीके ने मुझे बता दिया कि रामकृष्ण परमहंस ने कोई ऐसा वैसा साधक पैदा नहीं किया, एक महापुरुष पैदा किया जो संसार के दुख खुद झेल सकता है और सुख दूसरों को दे सकता है।
वही महात्मा होता। आशीर्वाद है जहां तेरी कीर्ति फैल जाए विश्व। आशीर्वाद तो दिल से निकलते हैं, कर्म को देख के निकलते हैं। जब द्रौपदी के कर्म को देखा तो स्वपच के अंदर से आशीर्वाद निकला, बोले जाओ तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो। द्रौपदी तो अभी स्वपच के पास थी, लेकिन स्वर्ग में घंटा बजा, पांडव खुश हो गए, अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। द्रौपदी लौट के आई, भगवान ने पूछा द्रौपदी ईमानदारी से बताओ, भोजन तो स्वपच ने अब भी वैसे ही किया होगा जैसे यहां कर रहे थे, तुम्हारे कारण वो अपना कायदा तो नहीं बदलेगा? भैया हम विश्व भर में घूमते हैं, करीबन 60 देशों में मैं भ्रमण करता हूं, मैं उस घर में पैर नहीं रखता जहां अदरक लहसुन प्याज मिर्च के साथ भोजन बनता हो, और फिर लोग हमारे कायदे से अपना भोजन खाने का सलीका बदलते हैं तभी हम जाते हैं, नहीं तो जाते ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, ऐसी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर जब जाते हैं तो लोग बदलते हैं। इसका मतलब साधु तो अपना जीवन नहीं बदल सकता, वो तो अपने नियम में बंधा है, उसको अपने नियम से ही चलना है, वो अपना नियम किसी के लिए नहीं बदल सकता, कोई भी हो। पूछा भगवान ने, स्वपच ने तो कायदा नहीं बदला होगा, उसने तो रोटी वैसे ही घोट के खाई होगी, लेकिन ये बता द्रौपदी तेरे मन की स्थिति क्या थी? द्रौपदी बोली प्रभु मैंने स्वपच को भोजन करते नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं एक संत का आशीर्वाद लेने गई हूं, और जब मैंने वो पाया मेरा हृदय हर धारणा से निर्मल रहा, और उस निर्मल चित्त के प्रभाव से स्वपच ने मुझे आशीष दिया। भगवान ने पांडवों को कहा, देखा पांडवों निर्मल हृदय क्या काम करता है। तुलसी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहकर वाणी को विराम देंगे। तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो जनसो मुनि पाने रमण
निर्मल मन वाला ही जन मेरी प्राप्ति करता है। भगवान कहते हैं पांडवों अपने हृदय को हर परिस्थिति में निर्मल रखो, भाव जिसके हृदय में आ गया भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम्। बड़े भाव और प्रेम से ये यज्ञ के सत्संगों का आज का अंतिम दिवस था। मैं अपनी वाणी को इसी चर्चा के साथ विराम दूंगा। हृदय की शुद्धि सर्वोपरि है, इसलिए लिखा है आखिर में गाकर हम इसके बाद आरती करेंगे भाव प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को I'm
Okay.